वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। ये वाला ठीक है या फिर नाउ दिस वन इज बेटर। और आज पाकिस्तान में ईद है और आप सभी को मेरी तरफ से दिल से ईद मुबारक, आप सभी को, पूरे पाकिस्तान को और पाकिस्तान से बाहर भी सभी लोगों को ईद मुबारक। देखो ईदी तो मैं आप लोगों को दे नहीं सकता, लेकिन कमेंट में ईद मुबारक बोल देना, वो ईदी से समझे आपने मुझे ईदी दे दी और मैं आपको खैर मुबारक बोल दूंगा तो मैंने भी आपको ईदी दे दी। तो ऐसा कुछ कर लेंगे क्योंकि ईदी तो दे नहीं सकते, तो यही कर लेते हैं। खैर हो गई, अभी टाइम हो रहा है कुछ 6:30, आधा घंटा है, 7 बजे तक हमारे यहाँ करीबी मस्जिद में नमाज है, नमाज पढ़ने जाएंगे। नमाज में व्लॉग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मस्जिद में मुझसे व्लॉग नहीं होगा, आकर हम लोग व्लॉग बनाएंगे, घर वालों से मिलेंगे। अभी हम लोग जाएंगे नमाज पढ़ने, नीचे अभी मुझे चप्पले पहननी है, खेड़ी ली है मैंने पठानों वाली, वो पहनेंगे, चलते हैं देखते हैं फिर क्या सीन है। आज ना सिम्टम्स थे बारिश के ना, लेकिन बारिश तो हो ही नहीं, लेकिन मौसम सही है, हल्के हल्के से बादल है, मौसम काफी अच्छा हो। और ईद के दिन ना पता नहीं ऐसा क्यों, मैं मुझे हर ईद ऐसा लगता है, आप मुझे कॉमेंट करके बताएं कि ऐसा होता है सच में या नहीं होता। ईद में थोड़ी खामोशी सी होती है, मतलब पूरी गली में, घरों में, पता नहीं ऐसा क्यों, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा फील होता। अच्छा, ईद के लिए ना मैंने ये खेड़ियाँ ली थी, ये देखो, ये अच्छी है ना, मुझे पता है, डार्क ब्राउन कलर की है। इसको कहते हैं असल में कप्तान चप्पल, खेड़ी तो कहते ही हैं। मैं पापा के साथ लेने गया था, पापा ने दिलाई मुझे ये, पापा ने मुझे बताया इसका नाम होता है कप्तान चप्पल, पता नहीं क्यों, लॉजिक क्या है मुझे नहीं पता, बस इसका नाम ये होता है। खैर भाई 10 मिनट रह गए नमाज में, खुतबा शुरू हो गया, बस चलते हैं, निकलते हैं, चलो जल्दी। ओ भाई साहब, सिर्फ 5 मिनट रह गए जमात खड़ी होने में। 2000 years later. कोई बंदा अच्छा नहीं, कोई बंदा अच्छा, तो फिर भाई से मिल लो ना, जाओ तो लंबी हो गई है, नमाज भी पढ़ ली और थोड़ा सा कोरोना वायरस भी फैला दिया। अब हम लोग घर चलते हैं क्योंकि अम्मा हमारा इंतजार कर रही होंगी, हर ईद को अम्मा ना हमारा इंतजार करती हैं, मतलब जैसे हम लोग नमाज पढ़ के आते हैं तो अम्मा पैसे देती हैं ईदी मतलब, और अम्मा का हमेशा कह के अम्मा 1000 रुपये देती हैं, तो कभी सोचने की ऐसी जरूरत नहीं पड़ती कि यार इस बार अम्मा कितनी देंगी और इस बार कितनी देंगी, हमेशा का अम्मा 1000 रुपये ही देती हैं। तो अब चलते, ईद मुबारक। बाल बनाए लो, ईदी दे दो मेरी। अल्लाह हमेशा कुदरत के अल्लाह से ना पढ़ने में दिल लगा। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा से तो ईदी मिल गई 1000 रुपये। अच्छा तो भाई अपने पास यहाँ पे शीर कोरमा भी बना हुआ है। ओए होए होए, शीर कोरमे के बगैर तो भाई ईदी नहीं होती। खैर मैंने अपने घर का शीर कोरमा अभी तक खाया नहीं है, थोड़ी देर में हम लोग खाएंगे और फिर देखते हैं टेस्ट क्या है, मम्मा ने क्या बनाया, अच्छा लग रहा है। अभी अभी उजैर भाई कॉल आई है, उजैर भाई बोल रहे हैं यार कि मैं आ रहा हूँ, मुझे भूख लग रही है। मैंने बोला ठीक है आप आ जाएं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इस वक्त कोई रेस्टोरेंट खुला होगा। खैर लेट्स सी। ईद की पिक्चर्स मेरे लिए रामिजा ने ले ली है इंस्टाग्राम पर अपलोड करने के लिए, और रामिजा ने क्या एंगल लिया है, मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। रामिजा ने बेहतरीन एंगल से पिक्चर ली है, देखो यहाँ पे आ रही है ना, क्या पिक्चर है यार, ओफ। ईद का आज पहला दिन है और उजैर भाई ने हमें यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। अभी हम लोग जा रहे हैं मैकडॉनल्ड पे, मस्कन वाले, यार ये ऐप नहीं चल रही है, ये इन्होंने मैकडॉनल्ड की ऐप डाउनलोड कर ली है डिस्काउंट के लिए, लेकिन चल नहीं रही है। रामिजा भाई का मोबाइल तो ना कोरियन है ना, तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। अरे यार यार आज फोन उठा लिए करो यार, तुम नमाज के बाद फोन कर रहा था, मुझे शक है तुम्हें नमाज भी नहीं पढ़ी है। नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी। नहीं, हाँ नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी, जुम्मे की भी नहीं पढ़ता शायद। उजैर भाई को रैप खाना है तो मैंने बोला चलो इनको खिला देता हूँ। क्या देखोगे, अच्छा 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 अच्छा, मैं तो रैप जिंजर बर्गर खाओगे क्या वहाँ का, मैकडॉनल्ड्स के पागल हो गए क्या? अच्छा उधर भी आप क्या खा रहे हैं, रैप? हाँ रैप, यहाँ का कोई ईद की शूटी लगा लगी हुई तो मैं भी रैप रैप रैप। हम लोग मस्कन वाले गए थे मैकडॉनल्ड, लेकिन वो बंद था, अब हम लोग आए ये हैदरी वाले मैकडॉनल्ड। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ सारा टिकटॉकर का एरिया बना हुआ है, देखो सारे टिकटॉकर्स आए हुए कैमरे पकड़ पकड़ के वीडियोस बना रहे हैं, वो मतलब मॉल के आगे ना सारे देख रहे हैं, ये भी एक टिकटॉकर है। कोई नहीं, ये देखो टिकटॉकर सारे टिकटॉक, ये भी टिकटॉक बन रही है, वो भी टिकटॉक बन रही है, माशाल्लाह टिकटॉक लैंड। ये भी मैकडॉनल्ड बंद है, बोला था मैंने ये उजैर पे इज्जत करते हैं फालतू, डंकिन डोनट भाई ये वाला मैकडॉनल्ड तो बंद है। अब हम लोग जा रहे हैं डंकिन डोनट,
क्योंकि सारे मैकडॉनल्ड चेक कर लिए, सारे बंद है। डंकिन डोनट देखते, मैकडॉनल्ड्स तो अपने को मिला नहीं, डंकिन डोनट हम लोग जा नहीं रहे थे। कराची की सबसे मशहूर बिरयानी पे हम लोग आए, खत्री बिरयानी पे, और ये लोग उतर गए। ये है नॉर्थ में खत्री बिरयानी। अब हम लोग चल के देखते हैं क्या सीन है। Ryan Little. खत्री बिरयानी अपनी आ गई है। अच्छा, थोड़ा ना मसालों में थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, और नॉर्मल बिरयानी से काफ़ी अलग सी लग रही है, मसालों में डिफरेंस है ये देखें। और ये अलग से मसाला दिया है ना उधर भाई, ये और ऊपर वाइट राइस है। ये बीफ है ना। हाँ, खाना देख कैसी है उधर भाई। हमारी भी आ भाई, यार बिरयानी हम लोगों ने खा ली है। और टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं बिरयानी का रिव्यू दूं ना आप लोगों को, खाते वक्त थोड़ी बहुत सही लग रही थी मुझे, लेकिन जब एंड में पेट भरा ना, और जब भूख बहुत थी, अच्छी लगी, क्योंकि हम लोगों ने इतनी ख्वारी करके हमने सोचा है खतरी बिरयानी जा रहे हैं, क्योंकि हमारे इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, इतनी उनकी तारीफें करी हुई थी कि यार बहुत अच्छी बिरयानी है, बिल्कुल अलग मसाले हैं ये वो। हाई अलग मसाले थे, लेकिन ओवर हाइप्ड है। और टेस्ट में अगर मैं आप लोगों को 10 out of 2 दूं ना, तो 10 out of 4 है मेरी तरफ से। इन लोगों के रिव्यू आप इनसे पूछ लें। हाँ रख गई नहीं यार, मुझे तो समझ नहीं है, मैं तो बिल्कुल ही मतलब 2-4 बाइट के बाद ही मुझे लग गया था कि 10 out of 5 सीन है, बस पेट बचा रहा है। 10 out of 5 4 कर लो बल्कि 5। उधर भाई हमजा ने आधी छोड़ी थी, हमजा ने आधी बिरयानी छोड़ दी यार। लेकिन जिस तरीके से हम लोग इतने दिल से खाने के लिए आए थे ना, वैसा हम लोग को टेस्ट नहीं मिला, पता नहीं क्या बात थी। लेकिन हमारे यूट्यूबर्स ने बहुत हाइप क्रिएट करी हुई है खत्री बिरयानी की, जैसा दिखता है वैसा है नहीं। ओके भाई, तो ये दोनों यहाँ पे तैयार हुए। ओए होए भाई, फुल टोपी खेड़ी पठानों वाली, और घड़ी तो चेक कर लो। फो इधी चाहिए तुम लोगों को? ये फौरन ना निकला, फौरन तुम्हें चाहिए? चलो तुम छोड़ो, फौरन तुम छोड़ो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो भाई दी, ठीक है ये तुम्हारी। एक मिनट, अबे वो तो अपनी ईदी ले गया। अब सलाम करो जल्दी, पहले जल्दी सलाम करो। हाँ, जब ईदी लेते ना तो सलाम करना है, ठीक है फातिमा को? सही बात ना? ये लो भाई, क्या ये सलाम उनकी जो खुशी होती है ना बच्चों को, मजा आ गया। क्योंकि ये बच्चे ऐसे हैं नहीं सलाम करने वाले, लेकिन फिर भी इनके मुझे सलाम सुन के ना मुझे बड़ी खुशी हुई आज। ईद पे खाने खाके ना मजा ही आ जाता है, शीर कोरमा बिरयानी वगैरह इतने कुछ खाने होते हैं ईद पे। आई नो मेरे आजकल व्लॉग काफी लेट आ रहे हैं, ईद उल फितर का व्लॉग ईद उल अज़हा में आ रहा है, 3 दिन लेट हुआ है आई नो मेरा व्लॉग, उसके लिए माजरत सॉरी। इंशाल्लाह मैं जरूर कोशिश करूंगा कि व्लॉग जल्दी जल्दी आए। खैर आज का व्लॉग यहीं पर इनवाइट करते हैं। अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद है लाइक जरूर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।